साहिब। जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। शरीर में सिमटी हुई रूह दोनों से शब्द मचते हैं और रूह ऊपर आ जाती है। चेतना का पूरा सिमटाव कपाट में हो जाता है, जैसे क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा है शरीर का। दही का मंथन किया मंथानी से तो मक्खन ऊपर आ जाता है। इस तरह उसी सिद्धांत से जो हमारे फैला हुआ आत्म तत्व है, सुरत हैं, नृत्य हैं, बॉडी में जो फैली हुई है वो कंसंट्रेट होकर के ऊपर कपाट के अंदर कंसंट्रेट एकाग्र हो जाती है। उस समय साधक को ये आभास होने लग जाता है जब इस अवस्था में पहुंचता है कि भाई अब देही, मैं देही से निकल रहा हूँ, कोई चीज़ खींच रही है। कुछ लोग तो डर भी जाते, सोचते कोई भूत खींच रहा है शायद, कोई और चीज़ है शायद। कुछ लोग इसलिए डर जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि दोबारा हम शरीर में नहीं आ सकते, ऐसा लगता है। लगता है जैसे तड़ तड़ कोई लकड़ी टूट रही है, ऐसे टूटता फूटता कुछ नहीं है, ऐसे ही समस्त नाड़ियों से शब्द खींचता है। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे देत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का कालते देत छुड़ाए। जैसे लोहे में एक गुण है, चुंबक में गुण है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी प्रकार वो धुने पूरी अपनी ओर आकर्षित करती है सुरती को। ऐसी स्थिति में बहुत से साधक डर भी जाते हैं, धुने बड़ी जोर से हो जाती है, बड़ी तीव्र धुने होती है, पूरे शरीर से चेतना का सिमटाव होना शुरू हो जाता है, बाजे लोगों को पसीना भी आ जाता है, कुछ लोग तो वहाँ भयभीत भी हो जाते हैं, कुछ लोग साधन छोड़ देते हैं, सोचते हैं नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना है आंतरिक संसार में। कुछ हताश हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यहाँ गुरु का मार्गदर्शन, ये जीवत मरने की अवस्था बनती है, जीवत मरिए भौजल तरिए, और ये काम शब्द बड़ा आसान करता है। जैसे शब्द का काम है श्रुति को ही खींचना, जैसे आप कुछ धातुओं को पीस करके एक दूसरे से मिला दें, जब आप धातुओं को मिला देते हैं अलग करना बड़ा मुश्किल है। लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो और धातु या सप्त धातु, सबका बुरादा बना दिया पीस करके, आटा बना दिया। अब उसमें से कहें लोहे को खींचो तो लोहे को आप नहीं खींच पाएंगे, लोहे को ढूंढो नहीं ढूंढ पाएंगे, एक जैसा लगेगा। पर चुंबक लाओ, पल में जितने भी लोहे के कण हैं उन्हें आकर्षित कर लेता है चुंबक, पता चल जाएगा आपको कि वो निकल आए ना, शोध हो गया। इसी प्रकार से शब्द सुरत को खींचता है। शब्द तेरी पारक कोई न करे, शब्द सुरत को खींचता है। अब साधक को इस अवस्था में, पहले तो प्री स्टेज में, पहले जब ये जिंगलमेंट सुनता है, धुने सुनता है, पहले बड़ा आनंद आता है। पहली दशा में साधक को काफ़ी अच्छा लगता है, ये धुने बड़ी मधुर हैं। अगर हम बाहरी दुनिया में भी धुने सुनते हैं तो एक उन्मान, एक आनंद सा अनुभव होने लगता है, और बाद में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे चील झपट कर कोई चीज़ उठा लेती है, साधक को ऐसा लगने लगता है कि मुझे कोई चीज़ खींचे जा रही है। कुछ लोग तो चिल्ला भी पड़ते हैं, छोड़ भी देते हैं, पर भय नहीं करना। अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में उठे हैं, पपील मार्ग को ठीक से समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप उसके लिए पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
जैसे एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसको मालूम है कि मुझे बेहोश किया जा रहा है, उसको बताया जाता है भाई ऑपरेशन कर रहे बेहोश, तो धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था बनती है, वो बेहोशी में खुद जाना चाहता है। अगर वो घबरा जाए नहीं जाना है बेहोशी में, उठकर मूवमेंट करेगा तो बेहोशी की अवस्था नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से अगर आदमी घबरा जाता है तो वापस फिर शरीर में नीचे गिर जाता है, साधक फिर देह में नीचे गिर जाता है। अब साधक ने जितनी मेहनत की वो सब व्यर्थ चली गई। कभी कभी कुछ लोग इन अवस्थाओं तक पहुंचते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती है, वो समझते हैं कि ये खिंचाव आएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, संत कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में इन सभी शंकाओं का निराकरण हो जाता है, साधक को पता चलता है। अनायास अगर आपको कोई, और वो शब्द हमेशा तैयार हैं, उनकी ड्यूटी है। साहब ने इसी स्थान पर एक बात कही है, मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है ओए। कहे कबीर कैसे बने तोह मोह और ओए। इसका मतलब है भाई मैं तुम्हारी ओर, मेरा हाथ बड़ा हुआ है और तुम्हारा ध्यान माया की तरफ है, इसलिए कहे कबीर कैसे बने तोह मोह और ओए। आपको चिंता करने की बात जरूरत नहीं, इसलिए इन शब्दों को भी गुरु कहा है, इनको भी गुरु कहा है। जरूर ये आपका मार्गदर्शन करते हैं, और ये सिस्टम सबके अनहत चक्र में धुने भी हो रही हैं। और जैसे आपकी आंखें प्रभु ने दी हैं देखने के लिए, आंखें अपना देखने का काम कर रही है, सिस्टम है उसमें एक नेटवर्क है। पांव दिए चलने के लिए, पांव अपना चलने की क्रिया कर रहे हैं, सिस्टम है उसमें, पूरे कोऑर्डिनेट हैं हमारे शरीर की ऊर्जा के साथ में। इसी प्रकार ये धुने बिल्कुल भी तैयार हैं। अब साधक पूरा अगर बंकनाल में पूरा कंसंट्रेशन सिमट के हो रह जाता है, और आपके ध्यान को एकाग्र करने में सहायता किसने दी, धुनों ने, गुरु के रूप ने आपको सहायता देगी। यहाँ आप, आपके दिल में विचार आ सकता है कि आप कहेंगे कि महाराज आप कह रहे थे ये सब साधन से न होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, बिल्कुल ठीक है, पर ये एक अवस्था है, कमाई नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ भी कमाई नहीं बोल रहा हूँ, इस अवस्था में भी साधक को वो शक्तियाँ मदद करेगी। इन सभी धुनों से, ये धुने काफ़ी तीव्र जिंगलमेंट होती है और धुने चैतन्य है। साधक इस अवस्था में अपने कपाट में चैतन्यता अधिक अनुभव करता है, उसको लगता है बहुत ज़्यादा चैतन्यता है, उसको लगता है काफ़ी चेतना हो गई है, और जैसे सुरत निरत एकाग्र होती है वहाँ प्रकाश भी होने लगता है। इसको पलटू साहब कह रहे हैं निकसत एक ज्योत, यानी उसमें से ज्योत भी निकल रही है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं ता चाहिए दिया घृत बाती, वहाँ परम प्रकाश है। अर्थात साधक अभी कपाट को समझने लगता है और पहले कौतुक बड़ा होने लगता है। ऐसी अवस्था से साधक पहले नहीं गुजरा है। जो बजने वाली धुने हैं उसको यूं लगता है हर एक धुन चैतन्य है, ये सभी धुने चैतन्य है। 70 किस्म की ये धुने सबके जिस्म में हो रही है और तीव्र होती जाती है। ज्ञान समाधि सुनत और कोई सुनता नहीं। ज्ञान अवस्था में जाकर के आदमी, यानी ध्यान अवस्था में जाकर आदमी इन धुनों को सुनता है, ये बड़ी तीव्र होती जाती है। अब साधक का पूरा सुरत और निरत, सुरत और निरत मन पवन को पलट कर गंग और यमन के घाट आने, गंगा या और यमुना का घाट भी कहा बंकनाल, ये हमारे मस्तिष्क के पास से जाकर के नाड़ी टेढ़ी होती है, इसलिए बंक कहते टेढ़े को, ये नाड़ी टेढ़ी होती है। अब साधक वहाँ जाकर के अनुभव करता है, धुने बहुत तीव्र होती है, कभी प्रकाश अचानक इतने इतने प्रकाश मिलते हैं, और कपाट बड़ा विशाल सा अनुभव करने लगता है। कभी कुछ साधक यहाँ पर धुनों को सुन करके, वीरानगी देख करके डर जाते हैं, कुछ सोचते हैं पता नहीं क्या है, कुछ डिस्टर्ब सा लगता है, कुछ लोग परेशान से भी हो जाते हैं, पर चिंता नहीं करना, ये एक अवस्था है। आप उस अवस्था में भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ में गुरु की ताकत उस अवस्था में भी हैं। आपको पूरा पूरा मार्गदर्शन शब्दों से मिलेगा। धीरे 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 साधक बस अब वो धुनों में पूरा कंसंट्रेट हो जाता है,
आत्मा शब्द की सवारी कर लेती है, यानी पूरी शब्दों में समाती जाती है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान मुझ में समाया हुआ है, इसी प्रकार आत्मा शब्दों में समाती जाती है, जिस शब्द पर विशिष्ट आपका ध्यान रहेगा तीव्रता से करंट की गति से आप बढ़ते चलेंगे। उस अवस्था में आपको आश्चर्य भी लगता है, आपको अचरज भी लगता है, मैं जा रहा हूं कहीं पर। इस अवस्था में एक भेद होगा, आप जा तो रहे हैं पर अपना आत्मदर्शन नहीं होगा, आपको अनुभूति होगी कुछ जा रहा है। क्या ये सपना है? क्या सपना नहीं है? आपको लगेगा मेरी आत्मा जा रही है पर आत्मा अभी क्लियर नहीं है। आपको लगेगा मेरी पूरी चेतना कंसंट्रेट, मेरा पूरा कंसंट्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपको ये लगेगा। जिस भी साउंड पर आपका ध्यान एकाग्र हुआ उस दिशा की तरफ बिजली की स्पीड से भी तेज श्रुति चलने लगती है। अब यहां तार बनती है शब्द और करंट बनती है आत्मा, कहां पहुंच जाती है? जिस भी विशिष्ट धुन पर आपका ध्यान एकाग्र हुआ उसी लोक में पहुंच जाएंगे। समस्त लोकों की अलग अलग धुनें हैं, अलग अलग धुनें हैं। जिस धुन पर आपका ध्यान एकाग्र हुआ आप उस लोक में पहुंच जाएंगे। मैंने कई बार बोला रेलगाड़ी की सीटी की तरह अगर आवाज हुई तो आप सीधा वैकुंठ धाम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। घंटे और शंख की साउंडिंग पर आप अगर कंसंट्रेट हो गए और मीन मार्ग बन गया, मीन कहते मछली को, जैसे मछली पानी की धारा से में चलना जानती है, किसी बिल्डिंग से आप पाइप पानी फेंकें, धार बनाएं, नीचे टप हो उसमें मछली हो, मछली टप में चढ़ जाएगी, टप से धार तक चढ़ जाएगी, मंजिल तक भी पहुंच जाएगी, जहां वाटरफॉल्स हैं बड़े बड़े, पचमढ़ी में भी मैंने देखा एक मछली वो वाटरफॉल से चढ़ती हुई जा रही थी ऊपर और वो ऊपर चली गई। मीन मछली को कहते हैं मीन मार्ग। इस तरह जैसे मछली अपनी ऊंची धारा में ऊंचाई की तरफ चलती जाती है, इस तरह रूह आत्मा इन धुनों के साथ में जैसे पानी पर मछली तैर कर चल धार पर जाती है, इस प्रकार रूह आत्मा धुनों पर चलना शुरू कर देती है, इसलिए इसको कहते हैं मीन मार्ग। मीन कहते हैं मछली को। इतनी तीव्र जिंगल बैंड्स होती है, वहां पहुंचता है उस स्थान को देखता है जिस मूल स्रोत से धुने निकल रही है, वहां बड़ा आनंद सा महसूस होता है। बाजी लोग उन स्थानों पर पहुंचकर सोचते हैं हम सतलोक पहुंच गए हैं, हम अमर लोग पहुंच गए हैं। रास्ते में काफी जगह पर आदमी को गफलतें मिलती हैं। दसों मुकाम का एक विवरण है, एक पुस्तक में लिख रहा हूं जिसमें दसों मुकाम का पूरा पूरा वृत्तांत लिखूंगा। आइए हम देखते हैं, इस अवस्था में साधक काफ़ी समय वहाँ रह लेता है, उन चीज़ों की अनुभूति कर लेता है। ये मीन मार्ग में भी अंतभाग शरीर द्वारा ये पूरा काम होता है, उस अवस्था में भी एक अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है। साधक अंतभाग शरीर से तब अवलोकन करता है। इसका उल्लेख इसमें सबसे एक्सपर्ट थे, सबसे सक्सेस थ्योरी किसकी है? सुखदेव की। सुखदेव जी इसके एक्सपर्ट थे, मीन मार्ग के बड़े तीव्र एक्सपर्ट थे। साहब जी ने वाणी में भी कहा सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, ये अगोचरी मुद्रा मीन मार्ग। भवर गुफा अस्ताना सुखदेव तिसको पहचाना, सुन अनहत की ताना, संतो सब शब्द है शब्द बखाना। इस अवस्था में साधक बड़ा आनंद अनुभव करता है। फिर अगली बार ऐसा आनंद इस संसार में कहीं है नहीं है। ब्रह्मानंद तो जगत के पदार्थों में नहीं है, यहाँ विषय आनंद है। ऐसे आनंद को प्राप्त करके वो इतना संतुष्ट हो जाता है, अलौकिक समझता है और कहता है यही सब कुछ है, आगे बढ़ने की चेष्टा ही नहीं करता है। अगली बार भी वो इसी स्थिति में जाता है, इस धुन से श्रुति वाकफ परिचित हो जाती है। जैसे किसी रास्ते से आप परिचित हो गए, वहाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, फिर अलग अलग धुनों पर अपना ध्यान रखने लगते हैं। जिन जिन धुनों पर आप कंसंट्रेट होते जाएंगे उन स्थानों की तरफ आप बढ़ते जाएंगे
और ये अनहत चक्र खुलना भी कहा गया, साधक का अनहत चक्र खुल गया। शून्य गुफा में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा, भयंकर घोर अंधकार भी है वहाँ पर, ऐसा घोर अंधकार आपने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा होगा। रात को तो अंधकार हैं, पर आपने देखा होगा रात के अंधकार में भी आप देखते हैं, क्योंकि रात के अंधकार में तारों का मंडल और सूर्य चंद्रमा का और सूर्य का थोड़ा प्रकाश इनडायरेक्ट वे में धरती पर आता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है, तारों का प्रकाश आता है, और कभी कभी आप, इसका मतलब है रात में भी प्रकाश है, कभी कभी आप देखते हैं घोर अंधकार मिलता है आपको रात्रि में, या किसी ऐसे क्षेत्र की तरफ, किसी ऐसे मकान की तरफ जो गुफानुमा है आप चले जाते हैं, वहाँ पर आपको घोर अंधकार मिलता है, या कभी कभी घने बादल होते हैं, बड़े तीव्र बादल है, और किसी भी प्रकार से तारों का मंडल का सूर्य का चांद का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, घोर अंधकार सा लगने लगता है। कभी कभी सावन भादो के महीने में आप एक चीज़ और देखते होते हैं, दिन में ही घोर अंधकार सा हो जाता है, गहरे बादल आते हैं, प्रकाश अच्छा दिन हो जाता है। इसी प्रकार बंकनाल में घोर अंधेरा है, करो नाम उजियारा, घोर अंधकार है। कभी कभी साधक वहाँ इतनी विराट आवाज़ों को सुनकर अपने को अकेला पा करके भयभीत भी हो सकता है, भयभीत हो जाता है, पर नहीं, करो नाम उजियारा, आपके पास में गुरु की दी हुई अगर ताकत है उस अवस्था में आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। साहब कह रहे हैं आगे डिस्टर्बेंस काफ़ी है, पर चिंता नहीं करना। जंगलों में आप देखते हैं जानवर रहते हैं खतरनाक, अजगर भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, काफ़ी और जानवर रहते हैं, क्योंकि इनको छिपाव चाहिए, अजगर अब सामने तो घूमेगा नहीं, घना जंगल चाहिए कहाँ, और क्योंकि वहाँ पर और भी जीव जंतु हैं, वो उसकी तृष्णा को बुझाते, भूख को बुझाते हैं, इसलिए वो वहाँ रहते हैं, अपनी अपनी भोजन की तलाश में वो विचरण करते हैं और घूमते रहते हैं। आइए हम देखें, इसी प्रकार से साहेब वाणी में भी कह रहे हैं, महासुन्न सिंध विश्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, ब्याधर सिंह सिंह सरप बहु काटी, डकनी सकनी बहु किलकारे, यम किंकर धर्म धूत हकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ पर जो नाम की आपके पास ऊर्जा है उसके द्वारा जितनी भी भयावह चीज़ें नज़दीक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि काल और माया ने अंतर जगत में आत्मा नहीं जा सके इसके लिए व्याधान रुकावटें दे रखी हैं। ये रुकावटें हैं, ये बड़ी विराट बड़ी विशाल रुकावटें हैं, इसमें बाजे लोग भयभीत हो जाते हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य और पूर्ण गुरु की शक्ति के बिना अंतर जगत आंतरिक जगत में जाना भी एक त्रुटि है। साहेब वाणी में कह रहे हैं, ये घट मंदिर प्रेम का ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए, बिन सिर सेती चला जाएगा। अब साधक इस अवस्था में कभी कभी जाता है, उसमें कोतवल होता है, अब उसे भय नहीं लगता है। एक आध बार जब ये कार्य हो जाता है फिर वो निर्भय हो जाता है, वो जानता है उस स्टेज को। जैसे आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें डरावनी चीज़ है, पहली बार आप देखें तो आप भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब उसी फिल्म को आप दोबारा देखते हैं, रील को दोबारा देखते हैं, तो अब आपको याद है ये घटना होने वाली है, पहले ही स्टडी हो जाते हैं। पहली स्टेज में ये थोड़ी सी दिक्कतें दे देती है अवस्थाएँ, उसके बाद में इसमें साधक को भय नहीं लगता है, वो फिर आगे आकर के एकाग्र होकर के कंसंट्रेट होकर के उन साधनाओं में जाता है। अब जब भी चाहता है अलग अलग मुकामों में पूरे ब्रह्मांड का खेल ये पिंड में देखने लगता है, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, जगत की भ्रमना दूरभागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना डोरते हैं जा लागी, पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। देखा यहाँ पवन को पलटना कहा, क्योंकि बंकनाल गगन की गुफा को पवन से साफ कर दम ही दम ले में ले अजूबा, ये गगन की गुफा पवन से साफ करना, स्वासा की माला नाल सुमरा में तेरा नाम। इस पर गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, संगी।